नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपको आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर एक, छाते काले रंग के ही क्यों होते हैं। नंबर दो, ट्रेन का डीजल इंजन क्यों बंद नहीं किया जाता है। नंबर तीन, फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ दी जाती है। और नंबर चार, जींस में छोटी पॉकेट क्यों होती है। नंबर एक, ज़्यादातर छाते काले रंग के ही क्यों होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर छाते काले रंग के क्यों होते हैं? यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसके पीछे के कारण बताते हैं। पुराने ज़माने को देखें तो आपको काले रंग के छाते ही दिखाई देंगे, क्योंकि जब छातों का आविष्कार हुआ तो छाते को काले कलर में ही बनाया गया था। और बहुत पुराने समय से हम काले रंग के छाते का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब फैशन और ज़रूरत के अनुसार छाते रंग बिरंगे और छोटे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर छाते काले रंग के ही होते हैं। आज के समय में भले ही रंग बिरंगे छाते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि काले रंग का छाता खरीदना वैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। छाते का काम बारिश और धूप से बचाना होता है। बारिश के लिए आप कोई भी रंग का छाता ले सकते हैं, लेकिन अगर आप धूप से बचने के लिए छाते ले रहे हैं तो आपको काला रंग का छाता ही लेना चाहिए। काले रंग का छाता जिस प्रकार फ़ायदेमंद साबित होता है, आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे कितने फ़ायदे हैं। हम सभी जानते हैं कि काला रंग गर्मी को जल्दी अवशोषित कर लेता है और उतनी ही तेज़ी से गर्मी को उत्सर्जित भी कर देता है, जबकि बाकी के कलर ऐसा नहीं कर पाते। काले छाते के भीतर साइड सिल्वर कलर भी होता है, जिसकी वजह से गर्मी छाते के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और इस तरह आप काले छाते के प्रयोग से गर्मी से बच सकते हैं। छाते के भीतरी भाग साइड में मौजूद सिल्वर कलर एक मिरर की तरह काम करता है। यह गर्म किरणों को छाते से वापस बाहर की तरफ भेजने का भी काम करता है। इस वजह से छाता काला रंग का होने पर भी आपको उसके अंदर की गर्मी नहीं लगती है। साथ ही बारिश में छाता बहुत जल्दी सूख भी जाता है। इसके अलावा काला छाता सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से आपको बचाता है। इतना ही नहीं, काले रंग का छाता हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को आपकी त्वचा तक भी नहीं पहुंचने देता, जिससे आप अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बस अपने त्वचा को बचा सकते हैं। नंबर दो, ट्रेन के डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता है। आपके मन में भी यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। इस रेल नेटवर्क में हर दिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में आज भी आधे से ज़्यादा इंजन डीजल से चलते हैं। हालांकि भारतीय रेल अपने नेटवर्क में बिजली से चलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इंजन लाने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले समय में हमें भारतीय रेल में अधिकतर बिजली से चलने वाले इंजन देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर अपने रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि स्टेशन से सफ़र के लिए जाने वाला इंजन लगातार चालू रहता है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। लोको पायलट डीजल इंजन को बंद नहीं करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, डीजल के इंजन को क्यों नहीं बंद किया जाता? इसके पीछे कई कारण हैं, हम आपको बताते हैं। नंबर एक, अगर डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसके कंप्रेसर पर गलत असर पड़ता है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है। नंबर दो, आपको बता दें कि हर एक डीजल इंजन में एक बैटरी लगी होती है और यह बैटरी तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू रहता है। अगर यह बैटरी चार्ज न हो तो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम भी फेल हो सकता है। नंबर तीन, रास्ते में लाल बत्ती आ जाने पर भी किसी कारणवश ट्रेन के डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इंजन को फिर से चालू करने के लिए लगभग 20 मिनट का समय लगता है। नंबर चार, इसके अलावा डीजल इंजन को चालू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है। इससे साफ होता है कि डीजल की खपत को बचाने के लिए डीजल के इंजन को कभी भी बंद नहीं किया जाता। नंबर तीन, मौत की सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ दी जाती है। जब भी किसी को जज के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज अपनी कलम तोड़ देता है, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल फांसी की सज़ा सुनाते ही कलम तोड़ने की प्रथा आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से चलती हुई आ रही है। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तब भी सज़ा सुनाने के बाद
कलम तोड़ दी जाती थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर सजा और कलम के बीच क्या संबंध है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। दरअसल जिस तरह कलम से लिखी हुई बात को कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को भी कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस कलम से अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसे जज के द्वारा इसलिए तोड़ दिया जाता है कि दोबारा इस कलम से फिर किसी को फांसी की सजा नहीं मिले और ना ही कोई इस तरह का अपराध कर सके। उल्लेखनीय है कि फांसी की सजा दुनिया की सभी सजाओं में सबसे बड़ी सजा मानी जाती है, जिसे किसी आम अपराधी को भी सुनाया नहीं जाता है। यह सजा किसी जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सुनाई जाती है। सजा मुकर्रर होने के बाद कलम तोड़ने का एक और कारण भी बताया जाता है। दरअसल जिसके मुताबिक जब भी किसी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा मुकर्रर होती है, तो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। एक इंसान की ज़िंदगी को समाप्त होने के बाद जज द्वारा कलम को तोड़ दिया जाता है। फांसी की सजा सुनाने से पहले उस सजा पर जज के द्वारा जिस कलम से हस्ताक्षर किया जाता है, उसे तोड़ने का कारण यह भी माना जाता है कि यही कलम है जिसने उस शख्स की मौत लिखी है। वहीं किसी की जान लेने के कारण अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए जज के द्वारा कलम की नींव तोड़ दी जाती है। नंबर 4, जीन्स में छोटी पॉकेट क्यों बनाई जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि जीन्स में कंपनी द्वारा दी गई छोटी पॉकेट क्यों बनाई जाती है, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसका जवाब क्या है। जीन्स में छोटी पॉकेट का इतिहास से लिंक बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक लेवी स्टोर्स नाम की कंपनी ने सबसे पहले जीन्स में छोटी जेब की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि लेवी स्टोर्स की इस कंपनी को अब लिवाइस के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जीन्स की दाई ओर एक छोटी सी पॉकेट होती है, जिसमें एक दो सिक्के के अलावा शायद ही कुछ रखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि इस पॉकेट का नाम है वॉच पॉकेट, और इसे खासतौर पर काउन ब्राउज के लिए बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में काउन ब्राउज अपने वेस्ट कोट पर चैन वाली घड़ी पहनते थे। इन घड़ियों को रखने के लिए यह पॉकेट बनाई गई थी। इसके लिए घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए लिवाइस ने एक छोटी सी जींस में पॉकेट देना शुरू कर दिया था। हालांकि अब कई लोग इस पॉकेट को क्राउन टिकट पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि जींस को हम अपने लुक में बेहतर देखने के लिए पहनते हैं। दरअसल इस जींस का आविष्कार मजदूरों के लिए किया गया था, इसलिए जींस की डिजाइन भी उनके काम के अनुसार ही बनाई गई थी। वहीं अगर जीन्स की जेब पर लगे छोटे बटन के बारे में बात करें, तो ये बटन भी मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि मजदूर भारी भरकम काम करते हैं, इसलिए इन बटनों को लगाया जाता है, जिससे इनकी सिलाई मजबूत रहे और जीन्स कई दिनों तक काम में लाई जा सके। लेकिन अब इन बटनों को जीन्स का डिजाइन मान लिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।